हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम टू डिजिट एडिशन देखेंगे विद कैरी ओवर। इससे पहले हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था एडिशन विद टू डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग, जिसमें हमने जो टेंस और वंस की प्लेस थी, टेंस और वंस थे, उनकी रीग्रुपिंग की थी कॉलम्स की, और उस तरीके से हमने एडिशन देखा था। अब हम एडिशन विद कैरी ओवर करेंगे। तो कैरी ओवर क्या होता है? ट्वेंटी नाइन प्लस थर्टी सिक्स, ट्वेंटी नाइन प्लस थर्टी सिक्स। यहां पर ये टेंस की पोजीशन है और ये वंस की पोजीशन पे है। तो जो राइट हैंड साइड के नंबर्स होते हैं वो वंस की पोजीशन पे हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं वो टेंस की पोजीशन पे हैं। तो कैरी ओवर कब किया जाता है? कैरी ओवर अभी नाइन सिक्स, नाइन सिक्स कितना होता है? फिफ्टीन, और टू प्लस थ्री फाइव। कैरी ओवर तब किया जाता है जब, अभी हम टू डिजिट एडिशन कर रहे हैं, तो एज अ टू डिजिट एडिशन देखेंगे कि जब वंस की पोजीशन पे दो नंबर ऐड करने के बाद हमें आंसर में भी जो सम होता है उसमें भी, एडिशन को हम और क्या बोलते हैं, सम, टोटल, प्लस। तो हमने जब इसे प्लस किया तो हमारा एडिशन करने के, ऐड करने के बाद हमें जो सम मिला वो क्या हुआ? टू डिजिट नंबर आया। तो जब वंस की अभी टू डिजिट नंबर देख रहे हैं, तो जब वंस की पोजीशन पे हम कोई दो नंबर ऐड करते हैं और उनका सम भी टू डिजिट में ही आता है, तब कैरी ओवर किया जाता है। मतलब अगर आपके पास ज्यादा कुछ सामान है तो आप वो क्या करेंगे, उसे किसी दूसरे को दे देंगे। तो बस यहां पर भी वही करना है और किया गया है कि हाँ, क्योंकि वंस की पोजीशन पे हमेशा सिंगल नंबर होता है, और यहां पर आ गया क्या आंसर में, दो डिजिट का नंबर। तो हम क्या करेंगे, जो ये नंबर है ये हम टेंस की पोजीशन पे शिफ्ट कर देंगे, मतलब हम यहां से इसे कैरी ओवर कर देंगे, यहां कैरी करके यहां लिख देंगे। तो अब जो एडिशन होगा वो कैसा होगा, वन प्लस टू प्लस थ्री। तो अब हमें इन तीनों नंबर को ऐड करना है, ये तीन नंबर ऐड होंगे और वंस की पोजीशन पे ही वंस का नंबर लिखा जाएगा, और जो 15 था, 15 का जो वन था वो टेंस का नंबर था, तो उसे टेंस के पोजीशन पे रख दिया जाएगा। तो अब जो एडिशन होंगे यहाँ पे थ्री नंबर्स के होंगे, वन टू थ्री, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स। तो यहां पे आंसर आ जाएगा 65। तो ये था कैरी ओवर, मतलब आपके पास अगर एक टू डिजिट नंबर अगर आ जाता है एडिशन में, तो उसे आपको क्या करना है, उस टू डिजिट नंबर का वंस की पोजीशन का नंबर को वंस की पोजीशन पे रखना है, और जो नंबर टेंस की पोजीशन पे है उसे उठाकर टेंस की पोजीशन के नंबर पे लिख देना है और सारे नंबरों को ऐड कर लेना है। इस तरीके से कैरी ओवर करते हैं एडिशन में। तो मैं एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। तो हम एक और एग्जांपल लिखते हैं, टेंस वंस। अब इधर पे 88 प्लस, हम 88 प्लस वन, और यहां पर भी लिखेंगे 86, 16।
अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, 8 6 कितना होता है, 8 6 होता है 14। तो अगेन यहां पर 2 डिजिट में नंबर आया, और 8 प्लस 1 कितना होता है, 9 होता है। तो जब अभी मैंने बताया, जब हमें 2 डिजिट नंबर मिलेगा तो इसके वंस की पोजीशन को, जो नंबर है उसे वंस की पोजीशन पे रखेंगे, और ये जो मिला है टेंस की पोजीशन का नंबर उसे यहाँ टेंस की पोजीशन पे रख देंगे। अब क्या करेंगे हम, अब इन तीनों नंबर को ऐड करेंगे, तो 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 1 10, तो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ हम 10 लिख देंगे। तो अब हमें आंसर में 3 डिजिट नंबर मिला, तो ये है 1 10 और ये 100 की पोजीशन, तो हमारा आंसर आया 104। तो हमने यहाँ पर 1 को किया क्या, यहाँ से 1 क्या किया, कैरी ओवर, तो यही होता है बाय कैरी ओवर, 2 डिजिट एडिशन में कैरी ओवर। और ये तभी होगा जब वंस की पोजीशन पे जो नंबर है, जो वंस की पोजीशन पे नंबर है वो उनके जब ऐड किया जाएगा तो उनका सम अगर 2 डिजिट में आता है, तब हम उस 2 डिजिट नंबर का जो टेंस की पोजीशन पे नंबर है उस नंबर को हम शिफ्ट कर देते हैं या कैरी ओवर कर देते हैं नेक्स्ट नंबर पे, और वो नेक्स्ट नंबर भी नेक्स्ट जो नंबर्स हैं उनमें ऐड होके सम शो करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।